हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बरवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। दोस्तों, जापानीज कार मैन्युफैक्चरर टोयोटा अपनी मोस्ट पॉपुलर 7 सीटर एमपीवी इनोवा को एक नए अवतार में लॉन्च करने वाली है इंडिया में। और इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनोवा इलेक्ट्रिक अवतार में भी लॉन्च होने वाली है, जिसे हाल ही में इंडोनेशिया इंटरनेशनल मोटर शो में शोकेस किया गया था। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, व्हाइट कलर में इनोवा ईवी, इसमें आपको काफी बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही इनोवा ईवी में काफी अच्छी खासी ड्राइविंग रेंज आपको देखने को मिलेगा। 2023 के शुरुआत में इनोवा के फेसलिफ्ट अवतार लॉन्च होगी दोस्तों, और वहीं इसके मिड में इसके ईवी के लॉन्च होने की संभावना है। फ्यूल के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत ही ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। ऐसे में इनोवा क्रिस्टा इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च होना एक वरदान साबित होगा दोस्तों। टोयोटा इनोवा ईवी की अगर हम डिजाइन डायनेमिक्स की बात करें तो स्ट्रक्चर एज इट इज रहने वाले हैं, लेकिन इसके फ्रंट प्रोफाइल में काफी इसमें चेंजेस किए गए हैं। इसके हेडलैम्प यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ड्यूल प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको देखने को मिलेगा। 4 स्लॉट में एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, इसके साथ ही आपको ब्लू इंसर्ट्स देखने को मिलेगा जगह जगह, जो कि आपको यहाँ पे ईवी को दर्शाता है। इसका जो फ्रंट बम्पर है वो भी काफी रीडिजाइन किया गया है, बहुत ही शानदार लग रहे हैं। एलईडी फॉग लैंप और इसके साथ ही साइड प्रोफाइल में 17 इंच का अलॉय व्हील दिया गया है डिफरेंट डिजाइन में। इलेक्ट्रिक की वैजिंग इसके टेलगेट के राइट साइड, इनोवा की वैजिंग और यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह रिवर्स पार्किंग, कैमरा और इसके साथ ही साइड में आपको ब्लू स्ट्रिप दिया गया है। साथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक यानी इनोवा इलेक्ट्रिक की डेकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग बी पिलर सी पिलर पूरी तरह ब्लैकआउट दिया गया है। ओआरपीएम आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल, और यहाँ पे ईवी की बैजिंग और ईवी चार्जिंग पोर्ट। इंटीरियर का डिजाइन एज इट इज रहने वाले हैं, कुछ इस तरह का इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक टेबल लेदर रैप्ड और टेलीस्कोपिक दिया गया है। और इसमें इनोवा की बैजिंग आपको सीट कवर्स पे देखने को मिलेगा, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेगा। टोयोटा इनोवा ईवी में काफी अच्छी खासी पावर परफॉर्मेंस आपको इसके इंजन परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। साथ ही टोयोटा इनोवा के इंटीरियर में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ड्यूल जोन में देखने को मिलेगा, और इसके सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, कुछ इस तरह का टच पैनल में देखने को मिलेगा, जो की काफी शानदार लगते हैं और एनहांस कर देते हैं इसके इंटीरियर को। और इसके हेडरेस पे आपको देखने को मिलेगा इनोवा ईवी की बैजिंग, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। हालांकि इसके सीटिंग अरेंजमेंट रेगुलर वेरिएंट की तरह ही रहने वाले हैं दोस्तों। वहीं हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 7 एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटो डिमिंग, IRBM, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, रेन सेंसिंग वाइपर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रिटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प यूनिट, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, स्टोलन व्हीकल ट्रैकिंग, पैनिक नोटिफिकेशन, रिमोट इमोबिलाइजेशन, स्मार्ट रीजनरेटिव ब्रेकिंग जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स आपको आने वाले टोयोटा इनोवा ईवी में देखने को मिलेगा। ये थी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट। टोयोटा इनोवा ईवी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव, वॉक अराउंड, कंपैरिजन, एक्सेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।